सिक्स सब्जेक्ट मैथ, मैथ का भी हमारा सिक्स चैप्टर चालू था। ग्राफ्स, ग्राफ्स का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो ग्राफ निकाल के दिया उसकी इन्फॉर्मेशन हम कैसे लिख सकते हैं वो देखा था। आज हम ग्राफ बनाते कैसे या निकालते कैसे वो देखने वाले, तो हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 19, प्रैक्टिस सेट 19 का फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आपको क्वेश्चन दिया है द नेम ऑफ द रीड हेड्स ऑफ द सम फैमिली इन द विलेज एंड द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर दे देयर फैमिली कंज्यूम इन वन डे आर गिवन बिलो। ड्रॉ द बार ग्राफ फॉर दिस डाटा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हेड ऑफ फैमिली होता है, हेड यानी जो मुखिया होता है, उनके यहाँ पे नाम दिए है और उनके घर में एक दिन में वो कितने पानी इस्तेमाल करते हैं, उन पानी के यहाँ पे नंबर दिए इन लीटर, मतलब वो कितने लीटर पानी हर एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाम दिया है, रविश की फैमिली है, शोभा की है, फिर अयुब, जूली एंड राहुल, तो इनकी फैमिली है और वो एक दिन में कितने लीटर पानी यूज करते हैं। यहाँ पे दिया है रविश करता है 30 लीटर, फिर शोभा की फैमिली करते है 60 लीटर, अयुब की फैमिली 40 लीटर पानी यूज करते है एक दिन में, जूली की करते है 50 लीटर और राहुल की करते 55 लीटर। तो अभी ये आपको डाटा दिया है क्या, यहाँ पे रमेश की फैमिली कितने लीटर पानी यूज करते हैं, ये हमें बार ग्राफ के स्वरूप में यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे स्केल भी दिए आपको, स्केल क्या लेनी है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लीटर। तो ये क्या होता है कि ऐसे ग्राफ होते है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए ऐसे ग्राफ होता है और यहाँ पे छोटी छोटी बारीक रेखाएं होती है। तो ये से 10 1 1 2 3 4 5, तो ये 5 है ठीक है ऊपर के से। तो ये आपको क्या लेना है, 10 सेंटीमीटर पे आपको लेना है 10, ठीक है 1 सेंटीमीटर पे 10, फिर वहां ऊपर के 10 लाइन गिन के फिर यहाँ पे 20, तो ऐसे आपको लेने हैं ठीक है। तो ग्राफ कैसा होता है, एक वाई एक्सिस होती है और एक एक्स एक्सिस होती है, तो जो वर्टिकल होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस है ठीक है। फिर यहाँ पे 0, फिर ये वाली क्या है एक्स एक्सिस है, तो हमें दिया क्या है कि वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लीटर लेने के लिए बोला। अगर हम यहाँ पे लीटर लेंगे तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए, हमें नाम लेने चाहिए उन फैमिली के ठीक है। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लीटर, जो ये बारीक बारीक ऐसी रेखाएं होती है वो 10 लेनी है ठीक है। उसके बाद हमें 10 उसको 10 लीटर ऐसे लिख रहे, वो 1 सेंटीमीटर होता है, तो पहले हम यहाँ पे 10 10 सेंटीमीटर पे हमें लेना है। तो पहले ये यहाँ से 10 लाइन छोड़ के यहाँ पे 10, तो जो यहाँ पे 10 बारीक बारीक रेखाएं होती है वो 10 जब होती है वहां पे 1 सेंटीमीटर होता है, तो फिर यहाँ पे आएंगे 20, फिर 30 40 50 एंड 60। फिर हमें वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है कि कौन सी फैमिलीज है, तो पहले कौन सी है, रमेश की है, फिर शोभा, फिर अयुब, फिर जूली एंड देन राहुल। यहाँ पे फैमिली लिखेंगे, इनकी फैमिली के हमने यहाँ पे नाम लिखे और यहाँ पे लीटर ठीक है, या वाटर, वाटर ये लीटर, लीटर में गिना जाता है ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे बार ग्राफ बनाने, बार ग्राफ कैसे होते हैं, ऐसे जो हमने रेक्टेंगल देखे थे ऐसे वाले वर्टिकली रेक्टेंगल, वो हमें उसे क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते। तो रमेश की फैमिली कितना पानी यूज करती है, 30, तो ये रमेश की फैमिली है, फिर यहाँ पे 30 है, तो ऐसे वर्टिकली हमें जाना है स्ट्रेट कहाँ तक, 30 तक, तो कहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, फिर यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना देना है, ये हो गया हमारा बार, ये रमेश की फैमिली का बार है ठीक है। फिर शोभा की फैमिली कितना लीटर पानी यूज करती है, 60, तो फिर शोभा यहाँ पे, फिर हमें एक्स एक्सिस पे देखना है कि 60 कहाँ पे ठीक है, फिर ये हम यहाँ पे 60 तक जाएंगे और फिर से वापस आएंगे ठीक है। हमने यहाँ पे y एक्सिस है, तो यहाँ पे हमें स्केल लिखनी है, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर पर कितने लिए हमने, 10 लीटर लिए ठीक है। तो ये 10 10 से हमने काउंट करके हमारे कितने हैं, 60 आए,
फिर यहाँ पे अयुग की फैमिली है, अयुग की फैमिली 40 लीटर पानी यूज करती है, तो ये वाइसिस है, वाइसिस पे हमने लीटर में लिया है पानी, तो क्या पे 40 यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बनानी है 40 तक। फिर है जूली, जूली की फैमिली 50 लीटर पानी यूज करती है, तो हमें वाइसिस पे 50 देखना है और यहाँ से इसे स्ट्रेट लाइन बनानी। बराबर आने के लिए आप स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे राहुल की फैमिली है 55, तो 55 कहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे 50 है, मैंने जब बोला था ना पहले कि यहाँ पे 10 रेशाएं होती है, तो उनमें से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएंगे 55, ठीक है। तो ये 55 वाले यहाँ से थोड़ा ऊपर, ये राहुल की फैमिली, आप इसको एक जैसा कलर कर सकते हो या डिफरेंट डिफरेंट भी कलर कर सकते हो, और ये बाद में आपको उसको क्या करना है, कलर करना है। ये हो गया हमारा ग्राफ, किसका है कि जो फैमिली है कितने लीटर पानी यूज करती है उसके, हमने देखा है कि हमसे, हमें तो नंबर से भी पता चलता है लेकिन ग्राफ से भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा पानी कौन यूज करता है, शोभा की फैमिली करती है। फिर ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते कि कौन सी फैमिली ज्यादा पानी यूज करती है, तो शोभा की। और फिर कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन सी फैमिली कम पानी यूज करती है, किसकी, रमेश की। तो ऐसे ही यहाँ पे ग्राफ आने चाहिए आपके, तो ऐसे आपको बाकी के ग्राफ निकालने। और अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिया है, द नेम एंड नंबर ऑफ एनिमल इन अ सर्टेन जू गिवन बिलो यूज डाटा टू मेक अ बार ग्राफ। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एक जू में कितने एनिमल है, उनके नंबर दिए, उनके नाम दिए, तो अभी उनके नंबर और नाम यूज करके हमें बार ग्राफ ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे आपको स्केल भी दिए, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल लेने के लिए हमें बोला है। तो हम पहले क्या कर लेंगे कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी y एक्सिस है जो वर्टिकल होती है और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे x एक्सिस बोलते हैं। फिर हमें क्या बोला है कि y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर एनिमल लो, तो y एक्सिस कौन से, ये है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एनिमल। यहाँ पे एनिमल के यहाँ पे नंबर लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल, यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल लिख सकते हैं हम, दोनों में सेम ही है, एनिमल कॉमन है लेकिन एक नेम का बॉक्स है और एक क्या है, नंबर का है, इसलिए नीचे लिखेंगे हम नेम ऑफ एनिमल और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल। तो अभी हमें क्या बोला है कि वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 लो, तो 1 सेंटीमीटर यानी जो रेशाएं होती है 10, वहां पे 10 काउंट करके फिर वहां पे 4 लिखना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने, 4 एनिमल बोला है, तो 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर 4 यहाँ पे लिखिए तो यहाँ पे कितने आएंगे, फिर 8, फिर अगेन 1 सेंटीमीटर पे 4 एनिमल, तो 4 एनिमल के यहाँ पे कितने आएंगे, 12, फिर यहाँ पे 16, ठीक है, हम और यहाँ पे 20, 1 सेंटीमीटर पे 20, यानी 4-4 का हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे हमने 4 लिया था, तो उसके 1 सेंटीमीटर पे 4 लेंगे तो कितना आएंगे, 4 प्लस 4 8, फिर अगेन 4 सेंटीमीटर पे 4 एनिमल लेना है तो 8 प्लस 4 12, तो इसे हमें 4-4 का डिफरेंस लेते हुए यहाँ पे, यानी सीधा 4 का टेबल ऐसे यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने स्केल लिखना है जो हमें दी है, क्या है कि वाई ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 एनिमल ले, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ये पूरा हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना है, ग्राफ निकालना है, तो हमें क्या है यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल दिए, तो नेम ऑफ एनिमल हम वाई एक्सिस पे लेंगे, पहला कौन सा है, डियर है, सेकंड टाइगर एंड थर्ड मंकी, फिर है रैबिट एंड पीकॉक,
ठीक है, हमने यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल लिख लिए। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल कितने नंबर में है। तो जो डियर है वो कितने है, बोल रहे 20 है, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे कहाँ तक, 20 तक। तो यहाँ से हमें एक वर्टिकल लाइन बनानी है 20 यहाँ पे, ठीक है। फिर ये नीचे लेके आना, क्योंकि हमें बार ग्राफ बनाना है इसलिए ये बार हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर हमें टाइगर बोले कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, 4 है, उनके नंबर कितने, 4। तो ये टाइगर है, टाइगर की क्वांटिटी 4 है, तो ये 4 या रहा पे, तो ये हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे 4 तक। फिर हमें बोला है कि मंकी के नंबर कितने हैं, 12 है, ये रहा मंकी। और हमें वाई एक्सिस पे देखना है कि 12 कहाँ पे, तो 12 यहाँ पे, तो यहाँ से हम एक बार ग्राफ बनाएंगे। फिर हमें दिया है रैबिट, रैबिट के कितने हैं, 16 है, तो 16 यहाँ पे रैबिट है और यहाँ पे 16 है, तो ऐसी वर्टिकल लाइन बनानी है 16 तक। फिर हमें लास्ट है हमारा पिकॉक, पिकॉक के नंबर है 4, यानी पिकॉक कितने हैं उस जू में, 4 है, तो वो भी हम यहाँ पे 4 बनाएंगे। फिर आप कैसे भी कलर कर सकते हो, या तो सबको अलग अलग करो या एक ही दे दो। पहचानने में भी आते हैं, फिर अलग अलग भी दिखते हैं, क्योंकि सभी एनिमल अलग अलग है ना। ठीक है, तो हमने ग्राफ बनाया किसका, एनिमल्स का, कि डियर की नंबर कितने, 20 है, फिर टाइगर की 4 है, फिर मंकी की कितनी है, 12 है, और रैबिट की कितनी है, 60 है, और फिर यहाँ पे पिकॉक की लास्ट की कितनी है, 4 है। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाने हैं। आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दी है और स्केल भी दी है सब में, कितने लेने हैं। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 4 लेने के लिए बोला था, तो हमने 10 लाइंस काउंट करके, ग्राफ में जो 10 लाइंस होते हैं वो काउंट करके 4 लेना है। फिर हमने जो पानी का देखा था वहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे 10 लीटर लेना था, तो 10 लेता, वहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 10 का था, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20, तो ऐसे आपको ग्राफ बनाने हैं और ये पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।